हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बासुंदी चाय। वो मेरी फेवरेट है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बासुंदी चाय, पर सबसे पहले हम उसका मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच इलायची, आधा जायफल और सोंठ पाउडर। जायफल और इलायची को मैंने अच्छे से स्मैश कर लिया है, अभी हम इसे ग्राइंड करेंगे। इसमें मैंने जायफल और इलायची डाल दिए। अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच सोंठ पाउडर। मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर रही हूँ। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया, अब मैं इसमें केसर डाल के इसे वापस से ग्राइंड करूंगी। 7-8 केसर के पीस डाल दूँ। हमारा बासुंदी मसाला रेडी हो गया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 4 कप चाय के लिए 6 कप दूध लिया है, ये भैंस का दूध है, फुल फैट, और अच्छे से बॉईल कर लेंगे ताकि ये ठीक हो जाए और रिड्यूस हो जाए। इसे हमें हलाते रहना है बीच बीच में। दूध अच्छे से बॉईल हो गया है और दूध रिड्यूस भी हो गया है, इसमें मलाई भी आ रही है और मैंने इसे 10 मिनट तक अच्छे से बॉईल किया है। इसमें 4 चम्मच चाय पत्ती डाल दूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। चाय का कलर ब्राउनिश हो गया थोड़ा सा और ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। बासुंदी मसाला जो हमने रेडी किया था उसे अब मैं 1.5 चम्मच इसमें डाल दूंगी। इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। ये अच्छी आ रही है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें 4 चम्मच शक्कर डाल दूंगी। अब आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। पहले हमने इसमें केसर डाला था, पर अभी बस नॉर्मल थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ ऊपर से, और टेस्ट अच्छे आने के लिए कलर भी आएगा। चाय रेडी होने वाली है, मैं इसे थोड़ी देर में निकाल लूंगी। चाय रेडी हो चुकी है, बासुंदी चाय रेडी हो चुकी है।